देखिए यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जवाब देना है, किसी पत्र का प्रयोग परिवार की कुशल क्षेम पूछने, निमंत्रण देने, सलाह अथवा खेद प्रकट करने के साथ साथ मन की बातें अभिव्यक्त करने हेतु किया जाता है। बताइए कौन सा पत्र लिखा जाता है, किस पत्र का प्रयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब दिया गया, यहाँ पर बताया जा रहा है वैयक्तिक पत्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना, इसी को आप अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अनौपचारिक पत्र का प्रकार है, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का जवाब देना है यहाँ पर क्या होगा। अनौपचारिक पत्र का जो प्रकार है यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो सेकंड नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, ये सब आपके अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में काउंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए तीन नंबर का आपको जवाब देना है, यहाँ पर जवाब आ गया, आप कह रहे हैं संभारक, बिल्कुल सही जवाब है। तो वो ऐसी तैयारी होनी चाहिए, इधर हम क्वेश्चन पढ़े नहीं तब तक आपका ऑप्शन वहाँ पे टिक हो जाना चाहिए। बताइए सा जो है ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए चार नंबर का जवाब देना है। चलिए चार नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए चार नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है तालब, तालु है ना, बिल्कुल सही है। चार नंबर का देखो, कुछ लोग इसमें दंत मार रहे हैं, सा दंत में आता है क्या। बताइए सा दंत में आता है क्या, दंत में कौन वाला सा आता है पता है आपको, ये वाला सा आता है, अगर ये सा लिखा होता तब दंत होता है, कौन सा सा ये भी देखिए तालु में आएगा, बिल्कुल सही है। चलिए पाँच नंबर का देखिए जवाब देना है, पाँच नंबर का कमेंट करिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। पाँच नंबर आपकी स्क्रीन पे है और पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पाँच नंबर का यहाँ पर आपका कुमुदनी होता है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हाँ बी नंबर बिल्कुल सही है, पाँच नंबर का बी है सभी का। हाँ छः नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तीर्ण कैसे लिखते हैं, छः नंबर का ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। स्वर संधि में किसका मेल होता है ना, आसान प्रश्न है। सात नंबर में यहाँ पर देखिए जवाब देना है स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है स्वर है ना, तो स्वरों का ही मेल होगा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद का यहाँ पर बताइए संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, आठ नंबर का कमेंट करिए। आठ नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ऋग प्लस वेद, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गौशाला में कौन सा समास है, नौ नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, नौ नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा गौशाला, तो नौ नंबर का यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास है ना, नौ नौ का ए है ना, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल देखिए इसी तरीके से आपके आंसर आना चाहिए। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है पंचामृत में कौन सा समास है, चलिए कमेंट करिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पंचामृत में कौन सा समास है। हाँ यहाँ पर पांच अमृतों का समाहार, पंचामृत का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, पांच अमृतों का समाहार यानी यहाँ पर आंसर होगा द्विगु समास, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए आंसर दस नंबर का, कुछ लोग बी मार रहे थे क्या, दस नंबर का डी है, बी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है, ग्यारह नंबर, तो ग्यारह नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है बी नंबर है ना, बिल्कुल सही है। बारह नंबर में बताइए बा उपसर्ग किसमें है, बा से क्या होगा, बा से यहाँ पर बताया जा रहा है बदौलत है ना, बारह नंबर का बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर बताइए साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, साहित्य प्लस इक होता है इक, इक इसका मतलब विकल्प जाएगा ए ए नंबर के साथ, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, चौदह नंबर में देखिए आपको बताना है यहाँ पर आपका तत्सम इनमें से कौन सा नहीं है, चार विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है जो किसन लिखा हुआ है यही आपका तत्सम नहीं है, बाकी कट कर के कृषका ये सब आपके तत्सम है। चौदह नंबर का आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है तद्भव शब्द यहाँ पर बताइए पंद्रह क्या होगा, तो तद्भव होता है श्रृंगार, इसका होता है तत्सम श्रृंगार है ना, तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। सोलह नंबर देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका तत्सम रूप है ना, सोलह नंबर का देखिए यहाँ पर बताइए तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा,
यानी यहाँ पर तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा, तत्सम रूप क्षेत्र होगा 16 नंबर का ए नंबर, है ना। 16 नंबर का देख लीजिए, सभी का ए आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राइट आंसर है। इसका तद्भव रूप क्या होता है, इसका तद्भव रूप खेत होता है ना, खेत होता है। अगला प्रश्न बताइए, संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत भाषा की विकास यात्रा से विकृत होकर हिंदी में पहुंचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है, 18 नंबर का जवाब देना है। तो समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर सभा है, मंडल है, कक्षा है, लेकिन खेल आपका नहीं होगा। हरियाली शब्द में बताइए कौन सी संज्ञा है, 19 नंबर का जवाब देना है। हरियाली, हरियाली का होता है भाववाचक संज्ञा, 19 नंबर का सी होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, रेखांकित शब्द में बताइए कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है ना, यहाँ पर बताइए सर्वनाम। तो 20 नंबर का सिंपल जवाब है, यहाँ पर क्या होगा, निश्चय होगा। वह एक बहुत अच्छा लड़का है, निश्चय वाचक होगा। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण बताइए, 21 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण की बात हो रही है, यहाँ पर होगा चारों, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर 21 नंबर का सी नंबर होगा। क्रिया बताइए यहाँ पर, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 22 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 22 का आ चुका है सीखती है, यही आपकी क्या है, क्रिया है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है। 23 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है कारणवाचक, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, 23 नंबर का जिनका भी डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बहुत बार प्रश्न करवा चुके हैं, है ना। यहाँ पर बताइए, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। 14 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, 24 नंबर का, और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है ना। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय कितने भागों में बांटा गया है, 24 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है 13, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का यहाँ पर बताइए पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कामदेव का देखिए यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए, 25 नंबर का यहाँ पर बी नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अनंग, कामग, रतिनाथ, ये सब आपकी क्या है, कामदेव की पर्यायवाची होती है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। तर्कस का देखिए पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, कमेंट करिए, तर्कस का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जवाब आ गया, कह रहे निसंग होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अपेक्षा का बताइए विलोम क्या होगा, अपेक्षा बहुत ही आसान है, 27 नंबर। अपेक्षा का होता है उपेक्षा होता है ना, उपेक्षा होता है। परमार्थ का देखिए बताइए विलोम क्या होगा, 28 नंबर, तो परमार्थ का होता है स्वार्थ। 28 नंबर का चेक कर लीजिए, सभी का ए नंबर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 29 नंबर, उसका चेहरा क्रोध से रहा था, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द यहाँ पर क्या होगा। उसका चेहरा क्रोध से क्या था, तपतपा रहा था, तमतमा रहा था, जगमगा, क्रोध से कभी जगमगाता तो है नहीं, ये तो सरासर हो ही गया नहीं, है ना, तमतमा रहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आपका आचरण दूसरों के लिए हो सकता है, आपका आचरण दूसरों के लिए क्या हो सकता है, उदाहरण हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है अन्य मनस्क के लिए उचित वाक्यांश यहाँ पर बताइए क्या होगा, 31 नंबर का जवाब देना है। तो देखिए अन्य मनस्क के लिए उचित वाक्यांश यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनों का फेर होना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। 33 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, दिनों का फेर होना इस मुहावरे का क्या मतलब होता है। तो 33 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, भाग्य का चक्कर होगा, यहाँ पर क्या होगा, भाग्य का चक्कर, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। नाक रगड़ना इसका बताइए मुहावरा क्या होता है, नाक रगड़ना इसका मुहावरे का मतलब क्या होता है। 34 नंबर का जवाब देना है, तो इसका मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, क्या होता है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करता, तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ क्या होगा। बहुत बार प्रश्न करा चुके हैं, 35 नंबर, तो इसका मतलब होता है चालाकी का जवाब जो होता है चालाकी से देना। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस तरीके का वाक्य है। 36 नंबर का देखिए जवाब देना है, उसने कहा कि, लग गया ना, समझ जाइए मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, हाँ 36 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया। सलमा घर जाती है वाक्य कैसा है। 37 नंबर का यहाँ पर बताइए, बहुत ही सिंपल है, एक ही क्रिया है तो कैसा होगा, सरल वाक्य होगा। अलौकिक का देखिए यहाँ पर बताइए, वर्तनी वाले प्रश्न पूछ लिया गया है, अलौकिक का शुद्ध यहाँ पर क्या होगा। 38 नंबर का यहाँ पर बताइए, अलौकिक का अलौकिक होता है कि अलौकिक होता है, ये होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। 39 नंबर का देखिए जवाब देना है,
है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सीला से पढ़ा भी नहीं जाता, सीला से हंसा भी नहीं जाता, सीला से चला भी नहीं जाता और सीला से हिला भी नहीं जाता। यहाँ पर कर्मवाच्य का होगा सीला से, है ना। यहाँ पर बताइए 39 नंबर का ए होगा, बिल्कुल सही है, सीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये क्या है, कर्मवाच्य है आपका। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कारक का चैप्टर से लिया गया है और ये होता है करण, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से पढ़िए, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका उन्हें होगा, बिल्कुल सही जवाब है। 41 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका होगा, है ना, 41 नंबर का आपका ए डी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द यहाँ पर हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है ना। यहाँ पर देखिए बताइए, हरिणा 42 नंबर का ए होगा, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर हरिणी होगा। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द आपका नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर 43 नंबर का देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है सी नंबर, हस्ताक्षर, है ना, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। हाँ 44 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है ए नंबर, संभाव्य, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न है तो निपात के यहाँ पर आपका हो जाएगा करीब, है ना, करीब पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस सरल वाक्य में है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा। हाँ 46 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है ए नंबर, बिल्कुल सही है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, है ना, यहाँ पर अशुद्धि है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यहाँ पर पूछा गया था अशुद्धि किस वाक्य, देखिए सड़क पर बहुत भीड़ है, ये सब तो सही है आपके, है ना, 46 नंबर का आपका ए नंबर होगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी, यहाँ पर देखिए 47 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, हाँ 47 नंबर के यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, 24 सितंबर 1949। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, 48 नंबर बताइए, ये आपकी पूर्वी हिंदी की है। कुछ लोगों को विश्वास है कि विश्वास है वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ 49 नंबर के यहाँ पर ए नंबर बताया जा रहा है, सम पीपल बिलीव, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए, रिड्यूसिंग आवर कंज्यूमरज में इज वेरी मच इन अवर इंटरेस्ट, वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ 50 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने ही हित में है, ठीक है ना, अपने ही हित में है, इसका ये वाक्य होगा, क्योंकि ट्रांसलेट के भी प्रश्न आपके आते हैं, इसलिए देखिए ट्रांसलेट के भी प्रश्न आपको याद रखना है, इससे भी बनते हैं, है ना, वीडियो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, तो बहुत ही आसान प्रश्न था आज तो, आपके सभी के सभी मोस्टली सही होने चाहिए। धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।